ANM, GNM, DP Pharma, योग्यता 12वीं पास। कोर्स हेतु संपर्क करें राधा पार्वती एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट, मेन रोड टंडवा। संपर्क नंबर है 8409211842, 9304440499। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। शिरवंशीधर नगर, पिछले 27 मई को ANM द्वारा महिला को सुई लगाने के बाद जच्चा बच्चा की मौत के एक सप्ताह पश्चात मृतिका के पति अखिलेश राम के आवेदन पर पुलिस ने ANM कल्पना कुमारी सिन्हा और सोना कुमारी के विरुद्ध मंगलवार को गैर इरादतन हत्या का मामला धारा 304 दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार आवेदन में अखिलेश राम ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती थी, चिकित्सक के अनुसार 9 माह होने में मात्र 2 दिन ही शेष बचे थे। उन्होंने बताया कि पंचायत की ANM कल्पना कुमारी सिन्हा और सोना कुमारी से बातचीत की तो घर पर आके देखा। ANM द्वारा बोला गया कि आज डिलीवरी होगी और घर पर ही होगी। इसके बाद उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद पत्नी आशा देवी के द्वारा बताया गया कि पेट में काफी दर्द है, पेट फट जाएगा, आंख में कुछ दिख नहीं रहा। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में आनन फानन में उसे डाल्टनगंज ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि ANM की गलती के कारण मेरी पत्नी की मौत हुई है। इस संबंध में थाना प्रभारी पंकज तिवारी ने बताया कि आशा के पति अखिलेश राम के आवेदन पर 304/34 के तहत FIR दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया है। मैं लिखित आवेदन दिया हूँ थाने में कल्पना कुमारी के खिलाफ, क्योंकि जब उसको नॉलेज नहीं है तो ऐसा इंजेक्शन क्यों लगाई, और जब उसको हम बोले थे कि एक बार सर्जरी से हो चुका है, फिर वो बोली कि नहीं हम नॉर्मल करा देंगे, तो ऐसे लोगों को जो है स्वास्थ्य विभाग में रहने की ज़रूरत नहीं है, उसे हम बर्खास्त करने का वो मांग करते हैं। और हमारी जो घर की स्थिति है, हमारी जो पत्नी शाहिया थी, तो हम उसका न्याय का मांग करते हैं। और आशा देवी जो गर्भवती थी, तो मैं उनको लेकर के गया था अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज कराने के लिए, तो वहाँ से रेफ़र कर दिया गया था 26 तारीख को। तो मैं जाने के लिए तैयारी बनाने लगा बाहर, तो कल्पना से मैंने जो है सलाह लेने के लिए फ़ोन किया, तो बोली कि आज इंजेक्शन दे दो, दर्द का दिलवा दो, और फिर कल जो हम आएंगे, आज भर रुक जाओ। तो मुझे रोक के रखी सुबह जो है, मतलब 26 तारीख को सही रही वो, 27 को फिर उसको करीब 4 बजे दर्द होने लगा। तो मैंने फ़ोन किया कि दीदी ऐसा ऐसा होने लगा, तो वो बोली कि ठीक है मैं आ रही हूँ, और वो आई और जो बोली कि डिलीवरी होगा और 12 बजे आज हो जाएगा, नॉर्मल ही हो जाएगा। और इतना कहकर वो अपने बैग से जो इंजेक्शन निकाली और वो दे दी, और देने के बाद तुरंत जो है उसको एकदम तड़पने लगी, बोल रही है कि पेट फट जाएगा, और ये क्या बोलते हैं कान भंग प्राण निकलने लगा, उसके आँख के सामने अंधेरा छाने लगा, ऐसा वो करने लगे। तो फिर वो हम लोग आनंद फानंद में जो है इसको बाहर ले जाने लगे, और इसी क्रम में जो है मेराल से थोड़ी सी दूर आगे जाकर जो उसकी जो है मौत हो गई। धन्यवाद।